हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जो टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक कॉल्ड एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो बिफोर स्टार्टिंग टू द टॉपिक, मुझे एक चीज़ डिस्कस करनी है। जो लेक्चर नंबर 8 है, लेक्चर नंबर 8 बैंकिंग ऑफ फ्रॉड का, लेक्चर नंबर 8 जो लेक्चर नंबर 8 है ना, वहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है। वहाँ पे वी मैक्सिमम होना चाहिए। मैंने जो वी मिनिमम लिखा है वो कैंसिल करके वहाँ पे वी मैक्सिमम लिखना है। लेक्चर नंबर एट बैंकिंग का लेक्चर, और टाइम फ्रेम जो होगी 1:53, मतलब 1:53 के आसपास का एक जो एक्सप्लेनेशन है वो वी मैक्स का कंडीशन रहेगा, वी मिनिमम का नहीं। मतलब मैक्सिमम कंडीशन फॉर अ व्हीकल टू टेक अ शार्प टर्न ऑन अ अनबैंक्ड रोड, तो उसका फॉर्मूला था वी मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। ये चीज़ आपको वहाँ पे रेक्टिफाई करनी है। छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है। वी मिनिमम के जगह पे आपको वी मैक्सिमम लिखना है। सो लेक्चर में बढ़ते हैं। अपना जो टॉपिक है उसका नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन चालू करने से पहले हम लोग दो चीज़ों को हम लोग एनालाइज करने वाले कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया है। पहली चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे डिस्कस करनी है, कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? जिसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होगी, उसका जो सर्कुलर मोशन का नाम होगा उसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन दो टाइप्स में डिवाइड किया जाएगा। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसके एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले वो होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट, द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी चेंज्ड। तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी हम लोग तो नहीं निकालेंगे, बट हम लोग तीन पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे, टॉप मोस्ट, बॉटम और मिड पॉइंट पे निकालेंगे। तो ये तीन पार्ट रहेंगे, तीन पॉइंट पे वेलोसिटी निकालेंगे। तो अभी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन, पहले बढ़ने वो टॉपिक पे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उस टॉपिक के जो दो पार्ट है उसको देखेंगे पहले। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहला जो रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी क्या? अ मास इज अटैच टू अ स्ट्रिंग एंड इट इज गिवन अ वर्टिकल मोशन, या फिर उसको वर्टिकल डायरेक्शन में एक सर्कुलर मोशन दे रहे हैं हम लोग। इसके पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे रहे थे। मतलब जो मास था, पार्टिकल था, वो क्या कर रहा था, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर्कल ट्रेस कर रहा था। अभी ये वर्टिकल डायरेक्शन में सर्कल ट्रेस करेगा। तो यहाँ पे रहेगी स्ट्रिंग और यहाँ पे रहेगा रॉड। तो एक कंडीशन है स्ट्रिंग की और दूसरी कंडीशन है रॉड की। तो स्ट्रिंग की कंडीशन रहेगी वो जो कोई भी चीज़, मतलब जो चीज़ इसको बोलते ना कि गवर्न करेगी, मतलब स्ट्रिंग पे हम लोग स्ट्रिंग पे मास अटैच करने के बाद यहाँ पे एक वेलोसिटी देंगे। वेलोसिटी के बाद ये घूमने लगेगा, ऐसे घूमेगा। अभी एक बार वेलोसिटी देने के बाद ये जो मोशन होने वाला है वो अंडर ग्रेविटी होगा। मतलब ग्रेविटी इसका जो भी रहेगा, मतलब मोशन को गवर्न करेगी। तो ये जो मोशन गवर्न होगा वो ग्रेविटी के अंडर होगा। तो मोशन गवर्न बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। नीचे के पॉइंट पे होती है पोटेंशियल एनर्जी, नीचे के पॉइंट पे होती है काइनेटिकल एनर्जी, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिकल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन होगा जब वो मास रहेगा वो बॉटम मोस्ट पार्ट से टॉप मोस्ट पार्ट पे जाएगा। तो ये स्ट्रिंग के केस में होने वाले, बट रॉड के केस में अलग रहेगा। रॉड के केस में मास इज अटैच टू अ रॉड, यहाँ पे मास इज अटैच टू अ स्ट्रिंग। यहाँ पे ऐसे कंडीशन भी आ सकती है कि स्ट्रिंग में टेंशन जीरो भी हो सकता है। टॉप मोस्ट पोजिशन पे जाने के बाद, अगर ये मैं सपोज इसको स्ट्रिंग पकड़ रहा हूँ, ये टॉप मोस्ट पोजिशन पे जाने के बाद इसका ये मास, अगर इस मास को उतनी वेलोसिटी नहीं देंगे हम लोग तो ये मास नीचे भी गिर सकता है। तो उसमें टेंशन जीरो भी हो सकता है, बट रॉड के केस में टेंशन जीरो नहीं होगा। हम लोग देख सकते हैं कि जायंट व्हील, या फिर जो मुंबई में रहते हैं जिनको एक्सेल वर्ल्ड पता है, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि थंडर नाम का एक ये रहता है, जो राइड होती है थंडर नाम की। तो थंडर जब ऊपर जाता है तो वो थंडर रुक जाता है, शायद से आपको पता रहेगा, थंडर थोड़े मोमेंट के लिए रुक जाता है। तो ये रॉड है और रॉड को अटैच किया मास से। तो हम लोग जब भी ऐसे कंडीशंस पे रीच करेंगे जहाँ पे स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं रख रहे, बट टॉप मोस्ट पार्ट पे स्पीड जीरो भी कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो कंडीशन नहीं आएगी, बट यहाँ पे जीरो कंडीशन पे
पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पे रॉड है, तो रॉड में कभी टेंशन जीरो नहीं होगा, बट स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो सकता है, बॉडी अपने आप नीचे गिर सकती है, यहाँ पे वैसे नहीं होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी को जीरो ला सकते हैं। तो दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, तो पहला पार्ट रहेगा, हेडिंग डालो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, पहला पार्ट रहेगा लिखो, अ मास अटैच टू अ स्ट्रिंग, अ मास अटैच टू अ स्ट्रिंग, अ मास अटैच टू अ स्ट्रिंग, इन विच वी सप्लाई नेसेसरी एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट, वी सप्लाई नेसेसरी एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट, नेसेसरी एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट, एंड देन ऑनवर्ड्स द मोशन इज गवर्न बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड देन ऑनवर्ड्स द मोशन इज गवर्न बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे नेक्स्ट पॉइंट उसमें ही लिखना है, आगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें ही लिखना है, ड्यूरिंग दिस मोशन देर इज इंटर कन्वर्जन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ड्यूरिंग दिस मोशन देर इज इंटर कन्वर्जन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया स्ट्रिंग का केस। सेकेंड सेकेंड केस टू, अ मास इज अटैच टू अ रॉड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आगे लिखो, इन दिस केस द स्पीड इज आइदर केप्ट कॉन्स्टेंट और नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट पे, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वी कैन गेट अ कंडीशन वेयर द वेलोसिटी इज जीरो, द वेलोसिटी इज़ जीरो। यहाँ पे वैसी कंडीशन नहीं आने वाली है, यहाँ पे अगर वो कंडीशन आती है तो जो स्ट्रिंग के बीच में टेंशन रहेगा वो जीरो हो जाएगा। अगर स्ट्रिंग के बीच में का टेंशन जीरो हो जाएगा तो बॉडी नीचे गिर जाएगी, मतलब वो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो सकती है। तो वेलोसिटी इक्वल टू जीरो लिखने के बाद आगे लिखो, टेंशन इज नेवर जीरो इन दिस कंडीशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, आपको हेडिंग डालना है केस वन, मास अटैच टू अ स्ट्रिंग। पहले कंडीशन को स्टडी कर रहे, मास अटैच टू अ स्ट्रिंग। पहले मैं डायग्राम निकालता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या हो रहा है। अभी मास अटैच टू अ स्ट्रिंग में हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी और टेंशन, यही निकालना है बस। वेलोसिटी और टेंशन दो चीज़ें निकालनी है, पहले वेलोसिटी निकालेंगे बाद में हम लोग निकालेंगे टेंशन। तो पहला पॉइंट देखना है वेलोसिटी क्या कैसे निकालनी है और टेंशन कैसे निकाल, दोनों भी देखेंगे हम लोग। पहले और टॉप मोस्ट पे, पहले टॉप मोस्ट पार्ट पे देखेंगे, बाद में हम लोग देखेंगे बॉटम मोस्ट पार्ट पे। टॉप मोस्ट बॉटम मोस्ट पार्ट होने के बाद सबसे लास्ट पार्ट जो रहेगा वो रहेगा सेंट्रल पार्ट, और सेंट्रल पार्ट के बाद हम लोग आर्बिट्री पॉइंट भी देखेंगे, आर्बिट्री पॉइंट पे बीच में कहीं पे भी क्या हो रहा है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट रहेगा डायग्राम को देखेंगे, डायग्राम को स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम लोग डिफरेंट केसेस देखेंगे। सबसे पहले मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ यहाँ पे, सो डायग्राम कुछ ऐसी है, अ स्ट्रिंग ऑफ रेडियस आर इज अटैच टू अ मास एम, नीचे कुछ वेलोसिटी दिए, उसके बाद ये सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन करेगा, जो बॉटम मोस्ट पार्ट रहेगा उसको बोलूँगा बी, पॉइंट बी। टॉप मोस्ट पार्ट रहेगा वह उसको बोलूँगा ए, और जो सेंटर मोस्ट पार्ट रहेगा उसको बोलूँगा सी। एक चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग जो रहेगी वो मासलेस और इनएक्सटेंसिबल रहेगी, जो हम लोग ने शायद से कोनिकल पेंडुलम के केस में भी डिस्कस किया था, इसका खुद का मास कुछ नहीं रहने वाला है। तो ये केसेस रहेंगे। अभी मुझे बताओ कि सपोज ये स्ट्रिंग वर्टिकल सर्कल को ट्रेस कर रही है, तो ये ऐसे जाएगी, यहाँ पे पहुँचेगी, और ये पॉइंट कौन सा रहेगा, ए, बराबर है। वैसे सिमिलरली अगर यहाँ पे पहुँचेगी तो ये पॉइंट रहेगा डी। इन बिटवीन के दो पॉइंट लेंगे हम लोग, पी और यहां पे क्यू, पी और क्यू लिया। अभी मुझे बताओ कि
ये माँ से सबसे पहले हम लोग फोर्सेस देखते हैं कि कौन से फोर्स एक्ट होते हैं। दो ही फोर्स एक्ट होने वाली है पहली, सारे पॉइंट्स पे दो ही फोर्स एक्ट होने वाली है। पहली वेट एम जी और सेकेंड टेंशन। वेट एम जी और सेकेंड है टेंशन। अभी मुझे बताओ कि ये जो एंगल है, ये एंगल जो बना रहा है, ये अगर मैं बोलूँगा टीटा, और ये जो एंगल है ये वाला जो एंगल है ये बनेगा, सपोज ये बोलूँगा ये अल्फा सपोज, या फिर पहले सबसे पहले बॉटम मोस्ट पार्ट और टॉप मोस्ट पार्ट का देखते हैं, बाद में ये एंगल पे जाएंगे हम लोग। सब पहले ये तीन पॉइंट्स का देखते हैं। तो मुझे बताओ, सबसे पहले हम लोग बॉटम मोस्ट पार्ट को स्टडी करते हैं, तो बॉटम मोस्ट पार्ट पे जो वेट रहेगा वो नीचे के डायरेक्शन में रहेगा बराबर है एम जी, और जो टेंशन रहेगा वो टॉप मोस्ट पार्ट में रहेगा टी बी। सिमिलरली टॉप मोस्ट पार्ट पे वेट एम जी नीचे, टेंशन भी टी ए नीचे। टेंशन कैसे रहता है? फ्रॉम द पॉइंट अलॉन्ग द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द बॉडी। ये बॉडी हो गई, ये स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग के अलॉन्ग है बॉडी से दूर, ये स्ट्रिंग हो गई, अलॉन्ग द स्ट्रिंग बॉडी से दूर, ये टेंशन बॉडी से दूर, टेंशन बॉडी से दूर। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। ये दो पॉइंट का आपको समझ में आ गया रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या रहेगा, ये पॉइंट पे क्या रहेगा, टेंशन कैसे रहेगा अलॉन्ग द स्ट्रिंग बॉडी से दूर, मतलब टी सी। वैसे सिमिलरली टेंशन यहाँ पे कैसे रहेगा अलॉन्ग द स्ट्रिंग बॉडी से दूर, मतलब टी डी। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर है? ये चारों केसेस क्लियर है। अभी मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, वेट रहेगा एम जी नीचे बराबर है, वेट एम जी नीचे। तो अगर मैं इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालता हूँ यहाँ पे और ये जो कंपोनेंट रहेगा ये अलोंग द स्ट्रिंग रहेगा। एक चीज़ मैं डिनोट कर सकता हूँ कि ये अगर अल्फा रहेगा तो ये भी क्या बनेगा अल्फा, तो ये बनेगा एम जी कॉस अल्फा और ये बनेगा एम जी साइन अल्फा। ये फोर्सेस है एम जी कॉस अल्फा, एम जी साइन अल्फा। तो मुझे बताओ एम जी कॉस अल्फा जो रहेगा वो टेंशन के अलॉन्ग रहेगा, टेंशन यहाँ पे और ये ऐसे हो गया। अभी मुझे बताओ कि इस केस में क्या होगा, एम जी नीचे के डायरेक्शन में बराबर है, क्लियर है? अगर ये एंगल मैं ये वर्टिकल के साथ लेता हूँ, देखो यहाँ पे भी वर्टिकल के साथ एंगल लिया है, तो भी यहाँ पे भी वर्टिकल के साथ एंगल लिया टीटा, तो ये भी बन जाएगा टीटा। इसका ये वाला कंपोनेंट जो रहेगा वो बनेगा टेंजेंशियल कंपोनेंट, और ये जो बनेगा वो बनेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट जो बनेगा एम जी कॉस थीटा और ये बनेगा एम जी साइन थीटा। क्लियर है आपको मैंने क्या किया है? पूरा थोड़ा थोड़ा मैस लग रहा है, बट एक एक चीज़ को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, तो हम लोग पहले चार पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, ए बी सी डी। ए टॉप मोस्ट है, बी बॉटम मोस्ट है, सी और डी मिड पॉइंट पे। वैसे दो आर्बिट्री कोई भी पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, पी और क्यू दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। मैंने एक चीज़ डिस्कस की है कि यहाँ पे जो टेंशन रहने वाला है, टेंशन वो हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम दी बॉडी रहेगा, और दो फोर्सेस एक्ट होने वाली है, दो फोर्सेस एक्ट होने वाली है कोई भी पॉइंट पे। पहला जो रहेगा वो रहेगा टेंशन या फिर वेट, पहला वाला, और दूसरा क्या रहेगा टेंशन। ये दो फोर्सेस हमेशा रहेगी। तो एट पॉइंट बी वेट जो है वो नीचे, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग बॉडी से दूर, बॉडी से दूर मतलब ऊपर के डायरेक्शन में। वैसे यहाँ पे वेट नीचे अलोंग द स्ट्रिंग बॉडी से दूर, मतलब टी यहाँ पे। सिमिलरली सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे वेट तो नीचे ही रहेगा और स्ट्रिंग के अलोंग बॉडी से दूर, मतलब टी डी टी सी। क्लियर है? सिमिलरली एट पॉइंट पी और एट पॉइंट क्यू वेट तो नीचे रहेगा बराबर है, ये एंगल अल्फा है तो ये बन जाएगा एम जी कॉस अल्फा, ये बनेगा एम जी साइन अल्फा। एम जी कॉस अल्फा जो रहेगा वो क्या करेगा, टेंशन के अलॉन्ग रहेगा देखो, और एम जी साइन अल्फा जो रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, वो टेंजेंशियल रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे एम जी साइन थीटा टेंजेंशियल है, एम जी कॉस थीटा अलॉन्ग है, तो यहाँ पे जो टेंशन रहेगा उसका नाम क्या रहेगा टी क्यू, और ये जो रहेगा वो क्या रहेगा टी पी। नॉर्मली हम लोगों को ए बी और सी पॉइंट पे निकालना है, बाकी के पॉइंट्स पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ए बी और सी पॉइंट पे ही निकालेंगे। अभी आगे बढ़ने के से पहले हम लोग एक चीज़ और एक चीज़ देखते हैं कि एक चीज़ देखो, बी पॉइंट पे टेंशन ऊपर जा रहा है, वेट नीचे, तो मुझे एक चीज़ पता है कि
रिजल्टेंट जो रहेगा वो अलॉन्ग रहेगा। देखो नेट जो रहेगा टेंशन ऊपर है, वेट नीचे, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्सेस रहेगा वो अलॉन्ग रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे टेंशन यहाँ पे, नीचे वेट यहाँ पे, तो जो रिजल्टेंट रहेगा वो अलॉन्ग ही रहेगा। तो एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट ए टेंशन इज अलॉन्ग द स्ट्रिंग, या फिर टेंशन, सॉरी, द रिजल्टेंट फोर्सेस इज टूवर्ड्स द सेंटर, या फिर अलॉन्ग द सेंटर, अलॉन्ग द सेंटर, सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन के अलॉन्ग जो फोर्सेस रहेगी वो रिजल्टेंट फोर्सेस रहेगी। बट यहाँ पे देखो टेंशन यहाँ पे, वेट यहाँ पे, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे रहेगा। सिमिलर टेंशन यहाँ पे, वेट यहाँ पे, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे रहेगा। पैरेलल लॉ से टेंशन यहाँ पे, वेट यहाँ पे, तो कुछ ऐसे बना सकते हैं। क्लियर है क्या यहाँ पे? तो एक चीज़ मुझे पता है कि टेंशन और वेट का जो रिजल्टेंट रहेगा वो टूवर्ड्स द सेंटर या अलोंग द सेंटर सिर्फ बी और ए पे रहेगा, बाकी के जगह पे नहीं रहेगा। तो हम लोग ये बाकी के जगह के पॉइंट्स नहीं दिखा रहे, हम लोग सिर्फ बता रहे कि ये रिजल्टेंट कैसे एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो सबसे पहले पॉइंट रहेगा जो हम लोग कंडीशंस निकालेंगे एट पॉइंट ए के। तो एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, मुझे बताओ एट पॉइंट ए पे टेंशन कहाँ पे एड कर रहा है? नीचे के डायरेक्शन में। और वेट भी कहाँ पे एड कर रहा है? नीचे के डायरेक्शन में। और मुझे बताओ कि सर्कुलर मोशन में जो टूवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स रहती है उसका नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मुझे बताओ टेंशन और एम जी दोनों साथ में, तो टी ए प्लस एम जी विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मुझे बताओ टी ए एज इट इज प्लस एम जी इक्वल्स टू एम वी। ऊपर का वेलोसिटी अलग हो सकता है क्योंकि हर जगह पे वेलोसिटी चेंज होने वाली है, तो ऊपर की वेलोसिटी लिखूंगा वी ए का स्क्वायर अपॉन आर, एम वी ए का स्क्वायर अपॉन आर। मुझे एक चीज़ बताओ कि ऊपर मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन कितनी हो सकती है? वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो सकती है। तो टेंशन एट टॉप मोस्ट पार्ट के हम लोग कितने लेने वाले हैं? जीरो। अगर टेंशन एट टॉप मोस्ट पार्ट जीरो लेते हो तो ये बन जाएगा जीरो प्लस एम जी इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर। एम एम कैंसल, ये आर यहाँ पे जाएगा तो बनेगा वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी। तो वी ए इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ आर जी। क्लियर है? वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पार्ट, वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पार्ट। अभी हम लोग देखेंगे एट बॉटम मोस्ट पार्ट, मतलब एट पॉइंट एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी पे क्या हो रहा है देखते हैं। एट पॉइंट बी पे मुझे एक चीज़ बताओ कि एट पॉइंट बी पे कंडीशन ऐसी है कि टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और वेट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। मेरे को पता सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? टूवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब जो नेट होने वाला वो सेंट्रीपिटल होगा, बट सेंट्रीपिटल क्या होगा? टूवर्ड्स द सेंटर। टूवर्ड सेंटर कौन सी है? टीबी। तो बड़ी फोर्स के डायरेक्शन में जरा मेरा नेट फोर्स है, तो बड़ी फोर्स कौन सी रहेगी? टीबी। और वेट क्या रहेगा? छोटी फोर्स। तो टीबी को कैंसिल कर रहा है एमजी। यहाँ पे टी ए और एमजी ऐड कर रहा था, सेम डायरेक्शन में था, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के वजह से टीबी माइनस एमजी इक्वल टू एफ सी पी। मुझे बताओ टीबी माइनस एमजी इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर। ये कंडीशन एज इट इज हम लोग ऐसे ही लिख के रख रहे, इक्वेशन को नाम देंगे सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट रहेगा। अभी मुझे बताओ इसको सेकंड देते और ये इक्वेशन थर्ड रहेगा। मुझे वेलोसिटी एट बॉटम निकालनी है। वेलोसिटी एट बॉटम की कंडीशन क्या रहेगी? वेलोसिटी ऑफ बॉटम निकालने के लिए मेरे को वेलोसिटी एट टॉप पता है, तो टॉप और बॉटम की मेरे को वेलोसिटी पता है, तो मैं हम लोग एक लॉ यूज करेंगे, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। एक काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या रहेगा? अरे काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए, मुझे पता है वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? जीरो। वेलोसिटी एट पॉइंट, सॉरी वेलोसिटी एट पॉइंट, वेलोसिटी नहीं सॉरी, मैं बोलूंगा वेलोसिटी एट पॉइंट ए मुझे पता है अंडर रूट ऑफ आर जी है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए अंडर रूट ऑफ आर जी रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फॉर्मूले वैल्यू रहेगी हाफ एम वी ए का स्क्वायर प्लस एम जी। ये हाइट कितनी है? ये रेडियस आर है, तो हाइट कितनी है? यहाँ की जो हाइट रहेगी एच ए जो रहेगी वो रहेगा 2 आर। वैसे सिमिलरली अगर मैं एच
बी लेता हूँ तो वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ से मैं रेफरेंस यहाँ से पकड़ रहा हूँ तो एच बी जीरो रहेगा, तो एच ए कितना रहेगा, टू आर। यहाँ पे एच ए की जगह एम जी एच ए जो रहेगा टू आर रहेगा। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी मुझे पता नहीं, तो वो लिखूंगा हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम कितना रहेगा, जीरो। अभी मुझे बता हाफ एम वी ए स्क्वायर, वी ए का वैल्यू कितना, अंडर रूट ऑफ आर जी। अगर अंडर रूट ऑफ आर जी लिखूंगा तो बनेगा हाफ एम, बोलो, अंडर रूट ऑफ आर जी का स्क्वायर आर जी प्लस टू एम जी स्मॉल आर, स्मॉल आर हाफ एम वी बी का स्क्वायर। एम 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 कैंसल, मल्टीप्लाइंग थ्रू बाय टू मिलेगा आर जी प्लस फोर आर जी प्लस इक्वल्स टू वी बी का स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग टू एड बाई टू, टू से मल्टीप्लाई किया टू और टू कैंसिल, यहाँ पे टू टू ज़ा फोर, टू और टू कैंसिल, तो मुझे बताओ ये बनेगा फाइव आर जी इक्वल्स टू वी बी का स्क्वायर, तो वी बी कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ फाइव आर जी। क्लियर है, अंडर रूट ऑफ फाइव आर जी। ये हुआ वेलोसिटी एट बॉटम, ये हुआ वेलोसिटी एट टॉप। वापिस हम लोग देखते हैं कि क्या करने वाले हैं, एक बार वापिस एक बार गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ, टेंशन हम लोग पहले एनालाइज करें एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए टेंशन कहाँ पे नीचे, वेट कहाँ पे नीचे, दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टी ए प्लस एम जी विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय एम वी ए स्क्वायर बाय आर। मुझे एक चीज़ बताओ कि मिनिमम कंडीशन क्या हो सकती है, टेंशन जीरो हो सकता है, तो टेंशन की वैल्यू अगर मैं जीरो लेता हूँ तो टेंशन वाला पार्ट जीरो हो गया, ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, एम जी एम वी स्क्वायर एम वी ए स्क्वायर बाय आर। सॉल्व करूंगा तो वी ए की वैल्यू क्या बनेगी, अंडर रूट ऑफ आर जी। सिमिलरली हम लोग कंडीशन निकालेंगे एट पॉइंट बी पे, एट पॉइंट बी पे क्या रहेगा, टेंशन टेंशन नीचे के टेंशन ऊपर के डायरेक्शन में और वेट नीचे के डायरेक्शन में, और ये दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के बाद जो हम लोग निकालेंगे टी बी माइनस एम जी, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी बी स्क्वायर बाय आर, एम वी बी स्क्वायर, इसको इस इक्वेशन को ऐसे ही रख देंगे, हम लोग आगे यूज होने वाला, मतलब टेंशन निकालने के लिए यूज होगा, वो बाद में देख लेंगे। अभी मुझे बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है टोटल एनर्जी एट टॉप इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बॉटम, टोटल एनर्जी एट टॉप कितना है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल एनर्जी एट बॉटम कितना है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, बट पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम कितना है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी एट टॉप कितना है, हाफ एम वी ए स्क्वायर, वैसी पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू टू आर। सॉल्व करूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा, वी ए के जगह पे ये वैल्यू पुट करूंगा, ये बन जाएगा आर जी, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करूंगा तो वी बी की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ फाइव आर जी। क्लियर है, ये होने के बाद, ये होने के बाद हम लोग निकालेंगे, ये होने के बाद हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी एट सी, या फिर वेलोसिटी एट मिड पॉइंट निकालेंगे। तो वेलोसिटी एट मिड पॉइंट निकालने के लिए मुझे एक चीज़ बताओ, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे पुट किया, वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बी और सी में पुट करेंगे। तो वीडियो को पॉज करो और ये पूरा का पूरा एज इट इज़ है वो कॉपी कर लो, कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐड करना रहेगा तो लिखो ऐसे कि कंसिडर अ मास, लिखो कंसिडर अ मास स्मॉल एम अटैच टू अ स्ट्रिंग ऑफ रेडियस आर, अटैच टू अ स्ट्रिंग ऑफ रेडियस आर, is given such a motion that, is given such a motion that a mass will perform a vertical circle, a mass will trace a vertical circle, a mass will trace a vertical circle. लिखो आगे, there are two forces acting, there are two forces acting at every point, there are two forces acting at every point, weight mg vertically downward, weight mg vertically downward, and tension along the string, and tension along the string. अभी एज इट इज़ आपको ये सब जो भी चीज़ें दी है मैंने वो कॉपी कर सकते हो एज इट इज़। इसके बाद जो हम लोग निकालेंगे वो एट पॉइंट सी निकालेंगे, और एट पॉइंट सी के लिए सेम कंडीशन यूज़ करेंगे जो कि रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग ए और बी के बीच में निकाली थी हम लोग ने, वैसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग निकालेंगे बी और सी पे, पॉइंट बी और सी पे हम लोग निकाल रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट बी और सी पे निकालने के लिए सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। टोटल एनर्जी एट बी क्या रहेगा, टोटल एनर्जी एट बी जो रहेगा वो रहेगा काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी।
मुझे एक बताओ, काइनेटिक एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी जो रहेगा वो सेम फॉर्मूला रहेगा एज इट इज पुट करेंगे हम लोग, जो ये वाला पार्ट है हाफ एम वी बी स्क्वायर वाला पार्ट, और पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा वो जीरो रहेगा। तो सिमिलरली मुझे बताओ, हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस जीरो हाफ एम वी ए वी सी स्क्वायर प्लस, ये मुझे बताओ ये हाइट कितनी है, हाइट आर है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या रहेगा, एम जी आर। सॉल्व करूंगा वी बी की वैल्यू जो रहेगी, वी बी की वैल्यू जो निकाली है अंडर रूट ऑफ फाई आर जी, तो यहाँ पे बनेगा हाफ इंटू एम इंटू फाई आर जी इक्वल्स टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी आर। अगर सॉल्व करता हो इस चीज़ को सॉल्व करता हो तो ये मल्टीप्लाई एम एम को कैंसिल करूंगा पहले, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय टू, तो यहाँ पे बनेगा फाई आर जी प्लस वी सी स्क्वायर प्लस टू आर जी, तो ये यहाँ पे जाएगा तो थ्री आर जी इक्वल्स टू वी सी स्क्वायर, तो वी सी कितना आएगा अंडर रूट ऑफ थ्री आर जी। क्लियर है, अंडर रूट ऑफ थ्री आर जी सेम कर रहे हैं। टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट सी, टोटल एनर्जी एट बी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल एनर्जी एट सी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। नीचे के पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, जीरो। बाद में वी बी की वैल्यू पुट करके मैं ये निकाल दूंगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है कि हाफ एम वी सी स्क्वायर, बट वी सी की वैल्यू नहीं पता, बट मुझे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला की वैल्यू पता है जो कि हाइट एच इक्वल्स टू आर है, तो एम जी एच, एच के बदले मैंने पुट किया आर, और सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा वी सी, और वी सी की वैल्यू रहेगी वो रहेगी अंडर रूट ऑफ थ्री आर जी। क्लियर है यहाँ तक। अभी इसके बाद जो नया पार्ट, जो दूसरा पार्ट रहने वाला है, अभी हम लोग ने निकाला वेलोसिटी एट टॉप, वेलोसिटी एट बॉटम और वेलोसिटी एट सेंट्रल पॉइंट पे निकाला, और टेंशन के इक्वेशंस निकाले, तो टेंशंस भी हम लोग निकालेंगे, टेंशंस क्या रहेंगे। तो कॉपी करने के बाद, आपका ये कॉपी होने के बाद नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे हम लोग, वो रहेगा टेंशन। मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख के रखता हूँ कि क्या क्या है। टेंशन वाला पार्ट एक पूछ सकते हैं, वो लोग पूछने वाले आगे कि टेंशन एट टॉप मोस्ट पार्ट और टेंशन एट बॉटम मोस्ट पार्ट के बीच में का डिफरेंस पूछेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं, वो बाद में देखेंगे। पहले सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ कि वी ए क्या था, अंडर रूट ऑफ आर जी, वी बी क्या था, अंडर रूट ऑफ फाइव आर जी, और वी सी क्या था, अंडर रूट ऑफ थ्री आर जी। बराबर है, मुझे बताओ टी ए की वैल्यू कितनी थी, जीरो। टी बी की वैल्यू कितनी थी, टी बी की वैल्यू निकालने के लिए टी बी माइनस, देखो इक्वेशन था टी बी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाय आर, यहाँ पे इक्वेशन लिखा था, याद रहेगा तो आपको। तो मुझे बताओ टी बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हम लोग को, तो टी बी क्या रहेगा, एम वी बी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी, बट वी बी क्या है, अंडर रूट ऑफ फाइव आर जी, उसका अगर स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, एम इंटू फाइव इंटू आर इंटू जी अपॉन आर प्लस एम जी, आर आर कैंसल, फाइव एम जी प्लस एम जी सिक्स एम जी। तो टेंशन एट बॉटम कितना रहेगा, सिक्स एम जी। टेंशन एट टॉप कितना है, मिनिमम टेंशन कितना होगा, जीरो। टेंशन एट बॉटम कितना रहेगा, सिक्स एम जी। इसके बाद टेंशन एट सेंटर वाले पॉइंट पे निकालते हैं। तो टेंशन एट सेंटर कहाँ पे, ये पॉइंट सी जो है टेंशन, वो अलोंग द स्ट्रिंग टूवर्ड्स द सेंटर है। अलोंग द स्ट्रिंग टूवर्ड्स द सेंटर जो होता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टी सी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाय आर, यहाँ पे दोनों ऐड हो रहा था, यहाँ पे दोनों सब्ट्रैक्ट, टी वी माइनस एम जी था, बट यहाँ पे अकेला है क्योंकि टूवर्ड्स सेंटर एक ही फोर्स है, वो की है टी सी। तो टी सी इक्वल टू वी सी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ थ्री आर जी, तो पुट करूंगा तो मिलेगा एम इंटू अंडर रूट ऑफ थ्री आर जी का स्क्वायर अपॉन आर, तो एम इंटू थ्री आर जी अपॉन आर कैंसल, तो टी सी की वैल्यू जो होगी थ्री एम जी। तो टेंशन एट सेंट्रल पॉइंट इज 3 एम जी, टेंशन एट बॉटम पॉइंट इज 6 एम जी, एंड टेंशन एट टॉप इज 0। तो हम लोगों को सिलेबस में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट बॉटम एंड टेंशन एट टॉप। तो टेंशन एट बॉटम माइनस टेंशन एट टॉप इक्वल टू 6 एम जी, ये डेरिवेशन उन्होंने पूछा है। क्लियर है, एज इट इज करना है। ये तीन वैल्यूज हम लोग को पता है, ये इक्वेशन मुझे पता था, वी बी की वैल्यू मैंने एज इट इज पुट की, सॉल्व किया, टी बी की वैल्यू आएगी 6 एम जी। मुझे एक चीज़ पता है कि टूवर्ड्स सेंटर टेंशन है, और टूवर्ड्स सेंटर एक ही फोर्स एक्ट होती है, वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन को इक्वेट किया सेंट्रीपिटल फोर्स से, और बाद में सॉल्व किया तो टी सी की वैल्यू मिल गई। तो टी सी की वैल्यू मिलने के बाद टी ए पता है, टी बी पता है, टी सी पता है, वी ए पता है, वी बी पता है, वी सी पता है। मुझे बताओ हम लोगों को पूछा क्या गया है, टी वी माइनस टी ए पूछा है, तो टी वी माइनस टी ए की वैल्यू होगी दोनों का डिफरेंस, विच इज इक्वल टू 6 एम जी।
ये कॉपी होने के बाद हम लोग एक आर्बिट्री पॉइंट पकड़ते हैं। आर्बिट्री पॉइंट मतलब क्या होगा, देखो आर्बिट्री पॉइंट मतलब क्या होगा, एक आर्बिट्री पॉइंट पकड़ते वो की होगा पी। ये पहले कॉपी कर लो, पॉज करो वीडियो को और कॉपी कर लो। उसके बाद लिखो ए बी सी पॉइंट हो चुका है, अभी हम लोग कंसिडर करेंगे पी पॉइंट, एट पॉइंट पी। मुझे बताओ एट पॉइंट पी एम जी को रिजोल्व किया एज एम जी कॉस अल्फा एंड एम जी साइन अल्फा, तो एम जी कॉस अल्फा क्या प्रोवाइड करेगा टेंशन, और एम जी साइन अल्फा क्या प्रोवाइड करेगा टेंजेंशियल फोर्स, और टेंजेंशियल फोर्स क्या करता है वेलोसिटी को चेंज कर दो। तो लिखो एम जी साइन अल्फा इज टेंजेंशियल फोर्स विच विल चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बराबर है, एम जी कॉस अल्फा, एम जी कॉस अल्फा को बैलेंस कर रहा है कौन, टेंशन। तो एम जी कॉस अल्फा विच इज नथिंग बट टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर है, तो आपको लिखने आगे आर्बिट्री पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट है, ए बी और सी होने के बाद फोर्थ पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट लिखो। फोर्स ड्यू टू टेंशन एंड वेट, फोर्स ड्यू टू टेंशन एंड वेट आर नॉट इन द सेम लाइन, आर नॉट इन द सेम लाइन। देखो सेम लाइन वाला कंडीशन ये और परपेंडिकुलर कंडीशन ये, आर नॉट इन द सेम लाइन नॉर इन द परपेंडिकुलर नॉर इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, नॉर नॉर परपेंडिकुलर लिखो चलेगा, नॉर परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है और यहाँ पे सेम लाइन में, यहाँ पे सेम, यहाँ पे कितना है परपेंडिकुलर है, तो नॉर इन अ सेम लाइन नॉर परपेंडिकुलर। दो कंडीशन के अलावा तीसरा कंडीशन लोग देख रहे हैं, नॉर इन अ सेम लाइन नॉर परपेंडिकुलर लिखो। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेट, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेट इज यूज टू चेंज द, इज यूज टू चेंज द magnitude of velocity, is used to change the magnitude of velocity and perpendicular component along the string, perpendicular component which is along the string will provide the tension, will balance the tension, will balance the tension। आगे लिखो As we move upward, mg sine alpha will act in the opposite direction of the velocity, will act in the opposite direction of the velocity। जब acceleration या फिर force opposite direction में होती है तो speed कम होता है। तो मुझे बताओ body जब ऊपर जाएगी तो slow हो जाएगी और यहाँ पे आने के बाद फास्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये एम जी साइन थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये एम जी साइन थीटा बॉडी के साथ में, बट बॉडी जब यहाँ पे पहुँचेगी ऊपर जा रही है और एम जी साइन थीटा नीचे, तो जब ऊपर जा रही है तो स्पीड कम होगा, नीचे जाएगी तो स्पीड बढ़ेगा। तो लिखो द एम जी साइन थीटा फिर एम जी साइन अल्फा विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्पीड व्हेन द बॉडी इज moving in the downward direction, when the body is moving in the downward direction, while this mg sin alpha will increase the value of speed when the body is moving in upward direction, when the body is moving in upward direction। clear hai yahan tak, clear, okay। तो ये video थोड़ा बड़ा हो चुका है, almost 30 minute के ऊपर जा चुका है। तो mass अटैच टू अ रॉड वाला पार्ट हम लोग शायद से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मास अटैच टू अ रॉड, और जो नेक्स्ट वाला पार्ट जो लास्ट वाला पार्ट है स्पीयर ऑफ डेथ और मास अटैच टू अ रॉड, दो पार्ट जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग ने अब तक क्या देखा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग ने वेलोसिटीज के वैल्यूज फाइंड आउट किए, वेलोसिटी के वैल्यूज फाइंड आउट किए, पहले टॉप मोस्ट वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड आउट किया विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, बाद में बॉटम मोस्ट पार्ट का वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड आउट किया विच वॉज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फाइव आर जी। सिमिलरली सी पॉइंट पे भी निकाला, सेंटर मोस्ट पॉइंट पे। उसके बाद हम लोगों ने टेंशन की वैल्यू निकाली, टेंशन इक्वल टू जीरो टॉप मोस्ट, टेंशन इक्वल टू 6 mg एट द बॉटम मोस्ट, टेंशन इक्वल टू 3 mg एट द सेंट्रल पॉइंट। ये होने के बाद हम लोगों ने क्या निकाला, ये होने के बाद हम लोग निकाला डिफरेंस बिटवीन द टेंशन, डिफरेंस बिटवीन द टेंशन एट टॉप मोस्ट पार्ट और बॉटम मोस्ट पार्ट, और बाद में एक आर्बिट्री पॉइंट पकड़ा, और आर्बिट्री पॉइंट पे ये वेट क्या कर रहा है, वेट
जो एम जी साइन अल्फा रहेगा, जब बॉडी ऊपर से नीचे जाएगी तभी वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, बट जब ऊपर जाएगी मतलब नीचे से ऊपर जा रही तो ये वेलोसिटी को कम करेगा। तो एम जी साइन अल्फा वेलोसिटी को बढ़ाता भी है और कम भी करता है। जब बॉडी ऊपर से नीचे जा रही है तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी, बट नीचे से ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी। उसके बाद जो पढ़ा कि एम जी कॉस अल्फा को बैलेंस कर रहा था टेंशन, तो टेंशन वॉज बैलेंस बाय एम जी कॉस अल्फा। तो ये हो गया अपना जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का स्ट्रिंग वाला पार्ट। वर्टिकल मोशन का रॉड वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मुझे पता है थोड़ा लेक्चर फास्ट हो गया, एक्चुअली मेरे को रॉड वाला पार्ट भी इसमें इनबिल्ड करना था, बट इट्स ओके, रॉड के लिए अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। रॉड वाला पार्ट और जो वेल ऑफ डेथ या फिर स्पीयर ऑफ डेथ बोलते वो दो पार्ट जो रहेंगे वो हम लोग एक साथ क्लब करेंगे और न्यूमेरिकल का पार्ट बच जाता है। तो शायद से एक या दो वीडियो में अपना सर्कुलर मोशन वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, जो रोटेशनल मोशन वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट उसके बाद चालू करेंगे। तो यहाँ तक अगर वीडियो को देखा रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ प्लीज़ हम लोग ने जितने भी पार्ट किए, आज शायद से ये 10th वीडियो है, तो पीछे के वीडियोस को भी देखना। यूट्यूब पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, मेरी प्लेलिस्ट भी है, तो प्लेलिस्ट को जाके एक बार व्यू करना कि सारे वीडियोस को गो थ्रू करते रहना। मुझे पता है कि यार इतने सारे वीडियोस हर दिन आ रहे तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि ट्रैक रखने के लिए या फिर मतलब कि गो थ्रू करने के लिए, तो प्लीज़ पीछे के वीडियोज़ को भी देखते रहना, नहीं तो पीछे की सारी चीज़ें इवोपरेट हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे जो मास टाइप टू और रॉड वाला पार्ट रहेगा। तो टिल देन बाय बाय।